मुझे भी ना एक बाइक खरीदना है, तो मैं सोच रही थी कि मैं R15 लूंगी। ए देखो भाई मैजिक, आप लोगों के भाई मैडम जी। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? गाइस मैं जा रही हूँ 100 के पर दिघा पे। सुबह इसका हरकत देखो भाई। सो पहले तो गाइस मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहता हूँ कि मेरा बर्थडे के दिन आप लोगों ने मेरे को इतना विश किया भाई, इतना विश किया, मैं सब लोगों का भाई रिप्लाई नहीं दे पाया क्योंकि भाई सब लोगों का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरे को बर्थडे विश करने के लिए। एंड ए देखो भाई छोटे छोटे बच्चे ओए। सो चलो गाइस अभी निकलते हैं घर से एंड आज जाएंगे हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए। तो चलो भाई लोग अभी निकलते हैं एंड उसके बाद ही आप लोगों के साथ बात वगैरह करते हैं। तो चलो चलते हैं। चलो अभी निकल चुका हूँ घर से एंड गाइस आप लोगों को पता है कि भाई पूजा वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है एंड गाइस मेरे को ना भाई बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है भाई, भाई इतना ज़्यादा दुख हो रहा है ना भाई, सिर्फ भाई जो बंगाली हो ना उन लोग भाई फील कर पाओगे कि मेरे को भाई कितना ज़्यादा दुख हो रहा है। क्योंकि गाइस माँ फिर से एक साल बाद आएगा तो यार आप लोग समझ लो। ओहो 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 गाइस अभी आ चुका हूँ यारो प्रिया के पास एंड ए देखो भाई मैजिक, आप लोगों के भाई मैडम जी। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? यार सब लोग तो यार अच्छा है, तुम बताओ तुम कैसे हो? हाँ कैसे हो तुम? ओए प्रिया तुम कैसे हो? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ यार? क्या? हेलो मैडम जी कैसी हो यार? इग्नोर यार मेरे को इग्नोर। अरे क्या हुआ ये तो बोलो। हाँ अरे कहाँ पे जाना है? मैं तो ऐसे ही आया था तुम्हारे साथ घूमने के लिए, मिलने के लिए आया था, अभी तो मैं अभी घर जा रहा हूँ ठीक है। ओए इग्नोर क्यों कर रहे हो? अरे क्या हुआ ये तो बोलो। ओए हेलो मैडम जी, ओए यार मेरे को इग्नोर कर रहे हो? ठीक है चलो बैठो। ओए हेलो तो कह दो। हेलो गाइस। यार मेरे को हेलो कह दो। क्या पता गाइस इस लड़की को क्या हुआ है। चलो बैठो। सो चलो गाइस अभी ऐसे निकलते हैं एंड गाइस इसका ना भाई हर दिन का ड्रामा है भाई लोग, इस हर दिन ना इस लड़की को ड्रामा करना है एंड ये देखो भाई छोटे बच्चे का रिएक्शन। तो चलो गाइस अभी अच्छे वाले रास्ते पे चलते हैं एंड उधर पे जाके ना आप लोगों के साथ बात वगैरह करते हैं। तो चलो चलते हैं। चलो ये देखो भाई रिएक्शंस देखो। सो भाई यार अभी ना पूजा खत्म हो चुका है एंड अभी ना गाइस हम लोगों को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है भाई, दिल से कह रहा हूँ भाई बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। सो फिर से गाइस एक साल वेट करना पड़ेगा, तो कर लेंगे यार माँ के लिए, कोई चक्कर नहीं है भाई। जो कुछ दिन बाद ही है भाई काली पूजा, तो काली पूजा में ना हम लोग गाइस खतरनाक वाला मस्ती करेंगे। और हाँ गाइस आप लोग मेरे को बहुत ज्यादा विश किए थे मेरे बर्थडे के दिन, तो थैंक यू सो मच यार सब लोगों को। सो मेरे पिछले वाले वीडियो में मेरे को एक बंदे ने कमेंट किया था कि बेरू भाई आप गांव पे क्यों रहते हो, आप शहर में शिफ्ट हो जाओ। देखो भाई लोग गांव पे रहने का जो मजा है ना भाई वो आप लोगों को शहर में नहीं मिलेगा भाई, आप लोग लिख के ले लो भाई। गांव पे रहने का कुछ अलग ही मजा होता है भाई लोग। और ऊपर से गाइस गांव के रास्ते से जब सुपर बाइक चलता है ना लोगों का ना भाई कुछ अलग रिएक्शन मिलता है। तो देखते हैं भाई लोग 100 के होने दो, फिर भाई हम लोग शहर में जाके शिफ्ट होने के बारे में सोचेंगे। भाई लोग अभी आप लोग देख सकते हो अभी ना हमारा जीबीवी पे इतना भी पेट्रोल नहीं है, तो चलो भाई लोग सबसे पहले चलते हैं पेट्रोल पंप पे, उसके बाद ही ना हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। तो चलो चलते हैं। चलो डरमी कुल टंकी फुल। सो भाई यार मैंने सोचा था कि भाई मैं ना कोलकाता पे जाऊंगा, आप सब लोगों से मिलूंगा एंड गाइस कोलकाता में ना हम लोग पूजा में घूमेंगे, लेकिन भाई कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि गाइस सब लोगों को तो पता है मेरे साथ ना भाई 5 लाख का स्कैम हो चुका है एंड स्कैम के बारे में गाइस सब लोगों को बताएंगे, अच्छी तरीके से बताएंगे एंड जिस बंदे ने भी मेरे से स्कैम किया है ना भाई उसको भी बताएंगे ठीक है। तो बस थोड़ा सा वेट करो भाई लोग। ओए मेरे भाई इतना जल्दी में क्यों हो भाई? बहुत जल्दी में हो चाचा, बहुत जल्दी में हो। हाँ गाइस मैं देख रहा हूँ आप लोग ना मेरे को बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हो कि भाई प्रिया मैडम जी के साथ शादी कर लो शादी कर लो। यार मेरा शादी के पीछे इतना हाथ धो के क्यों पड़े हो भाई? आप लोग कर लो भाई शादी, यार मेरे को नहीं करना है भाई शादी वगैरह ठीक है। गाइस अगर मैं शादी वगैरह कर लेता हूँ ना तो वीडियो करने के लिए ना मेरे को एकदम से टाइम ही नहीं मिल पाएगा भाई। अपने बीवी को टाइम दूंगा या फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनूंगा भाई, तो आप लोग सोच लो भाई ठीक है। गाइस आप लोगों को ना एक बात बताना है, मैं ना भाई काफी दिनों से देख रहा हूँ बहुत सारे बंदे ना मेरा वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर दे रहा है सर्च करके, तो भाई ऐसा मत ही किया करो। अगर भाई आप लोगों को करना है ना तो भाई मेरे को अच्छी तरीके से क्रेडिट दिया करो। आज से जो भी गाइस मेरा वीडियो डाउनलोड करके भाई चोरी करके अपलोड करेगा ना भाई सीधा गाइस मैं स्ट्राइक दूंगा ठीक है। ओ
भाई साहब यार, 100 तो गाइस ऐसे ही पहुंच जाता है भाई, चुटकी दे के 100 पहुंच जाता है भाई। मेरा ये डायलॉग ना भाई बहुत ज्यादा ही फेमस हुआ था। जो यार मेरा पुराना सब्सक्राइबर हो ना, उन लोगों को शायद से पता है भाई, चुटकी दे के भाई 100 पहुंच जाता है भाई, चुटकी दे के। फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे सबसे फेवरेट वाले रास्ते पे, एंड इधर पे ना गाइस हम लोग अभी क्या करेंगे भाई, इधर पे हम लोग आके आप लोगों के साथ बातें करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा बातें करेंगे। यार ओए यार क्या हुआ यार, तुम मेरे को इग्नोर क्यों कर रहे हो यार, क्या हुआ ओए, अरे क्या हुआ ये तो बोलो। यार क्या हुआ, क्या हुआ, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। यार तू बात क्यों नहीं कर रहे हो यार, बोलो। कैसी हो तुम, कैसी हो बताओ लड़की, कैसी हो। ओए क्या हुआ, ओए क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या हुआ कर रहे हो, कुछ नहीं। यार बात क्यों नहीं कर रहे हो यार, ऐसे ही क्या यार, मैंने कुछ गलती किया यार, मैंने ना दूध बल्ले के साथ बात ही नहीं किया है, ठीक है। सच में भाई लोग अभी आप लोग देख सकते हो, अभी ना प्रिया मेरे को इग्नोर मार रहा है भाई दूध बल्ले के लिए, लेकिन गाइस मैंने तो दूध बल्ले के साथ मिला भी नहीं, ठीक है, उसके साथ तो मैंने बात भी नहीं किया है, सच में। अरे क्या हुआ, मैं नाच के दिखाऊं? तुम्हारे लिए तो मेरे को नाचना पड़ेगा यार। देख सकते हो आज का मौसम ना बहुत ही अच्छा है भाई लोग, मतलब आज का मौसम बहुत ही बेकार है। यार कितना अच्छा मौसम है देखो यार। एंड गाइस मैं ना 100 के पे बाइक भी बुक करने वाला हूँ, तो मैंने गाइस सोच लिया, बहुत सोचा गाइस मैंने घर पे, मैंने गाइस ड्यूक 390 लूंगा BS4 वाला। बताओ भाई आप लोग मेरे को कमेंट करके कि भाई मेरे को ड्यूक 390 BS4 वाला मॉडल लेना चाहिए कि नहीं, ठीक है, मेरे को कमेंट करके बताना। मुझे भी ना एक बाइक खरीदना है, तो मैं सोच रही थी कि मैं R15 लूंगी, और वो सब ना ड्यूक 390 मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। यार क्या बोल रहे हो, फिर तो गाइस मेरे को R15 ही लेना है। फिर तो मैं भी यार R15 ही लूंगा यार। पैसा है तुम्हारे पास? हाँ कहाँ पे है पैसा दिखाओ तो, कहाँ पे है पैसा, बैंक में पैसा है, पॉकेट में दिखा दो, एक पैसा नहीं है भाई लड़की के पास, और इसको पता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। कहाँ पे है पैसा, बैंक में पैसा है, ठीक है। चलो यार हमने यार सोच लिया है, हम ना ड्यूक 390 कैंसिल कर देते हैं, हम लेंगे भाई R15 भाषण 3। गाइस मैं लूंगी ZX2। इसी के भाई आप लोगों को पता है कि कुछ दिन बाद ही हमारा फैमिली पे 100 के सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो फिर ना गाइस हम लोग जाएंगे यार लद्दाख ट्रिप के लिए। तो बताओ गाइस आप लोग कि मेरे को लद्दाख ट्रिप के लिए जाना चाहिए कि नहीं। तो गाइस मैं जा रही हूं 100 के पर दीघा पे। किसके साथ जाओगे, मेरे साथ? तो गाइस मैं ड्यूक 390 खरीद के 100 के पर दिखा पे जाऊंगी, वो भी मेरी चैनल पर, ठीक है, 100 के होने पर। ओए गाइस 100 के पे ना मैं इधर पे मीटअप रखने वाला हूँ भाई, अच्छे से देख लो, सुबह लोग सब लोग आ जाना। तो गाइस मीटअप रखना ना ये सब बेकार है, आप लोग कोई भी मत आना, ठीक है यार। जब मीटअप रखूंगी यार क्या बोल रहे हो यार, क्या खिलाओगे तुम्हारे पास ये लॉलीपॉप? सब लोग ना मेरे को पैर करता है, ठीक है, तुम्हें कोई पैर नहीं करता है, ठीक है, तुम हटो यहाँ से जाओ, सब लोग मेरे को पैर करता है एंड मेरा जीवे को पैर करता है, ठीक है, तुम हटो यहाँ से जाओ। मेरा है? हाँ तुम्हारा है, तुम्हारा बाप ने खरीद के दिया है मेरे को, तुम्हारा है पागल लड़की साले। मैं अभी एक रील बनाऊंगी, आप लोग देखो। हाँ ठीक है, हम भी देख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी देखेंगे तुम्हारा रील। हाँ दिखा दो, चलो चलो दिखा दो, चलो चलो दिखा दो। सो भाई इसका हरकत देखो भाई। इसका हरकत तो देखो यार। बहुत नौटंकी करते है भाई लड़की, ठीक है।